लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी अब घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की अध्यक्षता और पार्टी के संसदीय बोर्ड के सदस्यों की उपस्थिति में पार्टी ने दिल्ली में यह घोषणा पत्र का विमोचन किया। इस घोषणा पत्र को संकल्पित भारत, सशक्त भारत का नाम दिया गया है। 5 साल सरकार चलाने के बाद बीजेपी ने अब अगले 5 साल के लिए अपनी पार्टी का विजन देश के सामने रख दिया है। संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने चुनावी विजन को पढ़कर देश के सामने रखा। 50 पेज के इस घोषणा पत्र में कई क्षेत्रों के लिए कई वादे किए गए हैं। ऐसे में शिक्षा के लिए भी 14 वादे किए गए हैं, जिनके माध्यम से देश के एजुकेशन सिस्टम में बदलाव की कोशिश रहेगी। जानते हैं आखिर बीजेपी के संकल्प पत्र में शिक्षा को लेकर क्या क्या वादे किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 5 साल में देश के लोगों ने उन पर विश्वास रखा। उन्होंने कहा कि संकल्प पत्र में जन के मन की बात है। प्रधानमंत्री बोले कि इसमें 3 प्रमुख बातों का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रवाद हमारी प्रेरणा है, अंत्योदय हमारे दर्शन है और सुशासन हमारा मंत्र है। उन्होंने कहा कि हमारे संकल्प पत्र में समय भी दिया गया है ताकि 2022 तक लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। पीएम ने ऐलान किया कि हम अलग से जल शक्ति मंत्रालय बनाएंगे, इसके तहत पानी के इस्तेमाल पर भी बात की जाएगी। आपको बता दें कि बीजेपी का संकल्प पत्र आखिरकार जारी हो चुका है। कई बड़े वादे बीजेपी ने जनता के समक्ष रखे हैं। राम मंदिर एक बेहद अहम मुद्दा जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। इसके लिए जिक्र किया गया है कि राम मंदिर के निर्माण के लिए हर संभव कोशिश बीजेपी के द्वारा की जाएगी। साथ ही राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कहा कि राष्ट्रवाद के प्रति पूरी प्रतिबद्धता दिखाई जाएगी। अवैध घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का वादा इस घोषणा पत्र, इस संकल्प पत्र में किया गया है। साथ ही समान नागरिक संहिता को लागू करने का भी वादा इस घोषणा पत्र में बीजेपी सरकार ने किया है। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी होगी, इस बात का भी जिक्र इस घोषणा पत्र में। किसान क्रेडिट कार्ड से 1 लाख पर ब्याज नहीं देना पड़ेगा। साथ ही आपको बता दें कि 60 साल बाद किसानों को पेंशन की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। और एक बड़ी और अहम वादा ये किया गया है कि 370 को हटाया जाएगा और 35 को हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी। साथ ही 5 किलोमीटर के भीतर बैंक सुविधा देने की भी कोशिश की जाएगी। सरकारी प्रक्रिया को डिजिटल करने की दिशा में काम किया जाएगा। असंगठित मजदूरों की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा, इस घोषणा पत्र, इस संकल्प पत्र में वादा किया गया है। राष्ट्रीय व्यापार आयोग का भी गठन किया जाएगा। साथ ही 3 तलाक पर एक बड़ा वादा इसमें कि कानून बनाएंगे, इस पर कानून बनाने का वादा 3 तलाक पर किया गया है। और साथ ही हर परिवार को पक्के मकान की सुविधा का वादा भी इस घोषणा पत्र में किया गया है। देश के सभी घरों में बिजली सहित शौचालय की सुविधा का वादा किया गया है। नेशनल हाईवे की लंबाई दुगनी करने का वादा भी इस घोषणा पत्र में शामिल है। आपको बता रहे हैं कई बड़े वादे जनता के समक्ष आज रखे गए हैं बीजेपी के इस घोषणा पत्र में, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। लगातार माना जा रहा था राम मंदिर का मुद्दा एक अहम माना जा रहा था, इस पर सबको इंतजार था। और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी फोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ। जी अनिल जी, बताएं तमाम बड़े वादे, तमाम बड़ी घोषणाएं, कैसे देख रहे हैं आप इस घोषणा पत्र को? देखिए, राजनीतिक दलों में जी इस बात की होड़ हुई है घोषणा पत्र के माध्यम से कैसे जनता को लुभाया जाए, कैसे मतदाता को लुभाया जाए। जी पहले घोषणा पत्र का मतलब होता था कि हम 5 साल क्या करेंगे उसका एजेंडा बताना। जी अब घोषणा पत्र का मतलब ये है कि सत्ता में वापस कैसे आने के लिए जनता को लुभाया जाता है वो सब पेश कर दो। हो सकता है हो पाए, हो सकता है ना हो पाए। जी तो व्यवहारिक रूप से क्या क्या संभव है? लाख करोड़ों की नीचे तो कोई बात ही नहीं होती अब। जी लाखों करोड़ों की बातें की जाती हैं और इस बात की कोशिश होती है कि डायरेक्ट लाभ कितना जनता को वापस पहुंचाया जा सके, सीधा जेब में पैसा कितना डाला जाए। जी तो ये घोषणा पत्र भी उसी का एक हिस्सा है। इसमें किसानों को पूरा जोड़ दिया गया है, क्योंकि सब जानते हैं कि भारत में अधिकांश वोटर भी किसान है और भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो किसानों की हालत, माली हालत सुधारे बिना देश की हालत नहीं सुधर सकती। इस पे फोकस किया गया है काफी हद तक और काफी हद तक स्वास्थ्य पर भी फोकस किया गया है। जितनी तमाम अच्छी बातें कही जा सकती हैं सारी बातें इसमें समाहित हैं। अगर ये भाजपा फिर सरकार बना ले और इन सबको लागू करे तो शायद देश के हालात ही बिल्कुल बदल जाएं। और इनमें से कितनी बातें संभव है, कितनी बातें संभव नहीं है, इसकी देखभाल अर्थशास्त्रियों को भी करनी चाहिए और
इसका पता भी चुनाव में जब सरकार आएगी काम करेगी तब पता लोगों को भी लग जाएगा। जी ये बताएं कि किसानों के लिए भी इसमें कई घोषणाएं की गई हैं, तो क्या ये राहुल गांधी की न्याय योजना का रिएक्शन कह सकते हैं? देखिए ये तो पत्ता चलने वाली बात है, एक पत्ता राहुल गांधी चला, एक पत्ता इन्होंने चल दिया जी, क्योंकि बाद में जो पत्ता चलता है वो उससे बड़ा पत्ता चलता है आदमी हमेशा, इसलिए भाजपा का पत्ता बड़ा पत्ता होता है, राहुल गांधी के पत्ते से इसमें कोई जोड़ा ही नहीं, वो हुआ भी है। और जो न्यूनतम आय जेब में पैसे डालने वाली बात 72,000 की राहुल गांधी ने कही है जी, उसका भी जवाब इसमें दिया गया है। किसानों के लिए पेंशन योजना शुरू करने की बात भी कही गई है और सभी किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान योजना का लाभ मिले ये कोशिश भी की गई है। अब ये सत्ता में आए और ऐसा कर पाए तो निश्चित तौर पर देश के हालात काफी सुधरेंगे, लोगों के हालात माली हालात सुधरेंगे जी। ये जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात कही है लघु उद्योगों के इस तरह जी, वो वर्तमान जो माहौल है इकोनॉमी का और जैसा बाजार का हाल है उसमें मुझे मुश्किल नजर आती है, इसके लिए उन्हें बेसिकली व्यवहारिक तौर पर कई कानून कायदे बदलने पड़ेंगे और अपनी सरकारी मशीनरी को उनको दुरुस्त करना पड़ेगा जो इस वक्त काफी डिफंक्ट हो गई है। जी अनिल जी, राम मंदिर का मुद्दा एक बेहद अहम माना जा रहा था, सबकी निगाहें टिकी थी कि इसमें क्या कुछ घोषणा की जा सकती है, लेकिन इसको जैसा का तैसा ही रखा गया है और कहा है कि हर संभव कोशिश की जाएगी, तो इस पर क्या कहना है आपका? इसके अलावा क्या कह सकते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो क्या हम सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना करके राम मंदिर बना देंगे? ऐसा तो कोई कह नहीं सकता, ये तो चुनाव घोषणा पत्र में ही चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो जाता जी, और बेसिकली ऐसी बात हो जाती, कोर्ट की अवमानना हो जाती, इसलिए कोर्ट अपनी जगह है और कोशिश की जाएगी तो कोशिश की जाएगी, तो कोशिश ही कर रहे हैं पिछले 20 साल से ये राम मंदिर बनाने की, तो 5 साल और कोशिश कर लेंगे जी। तो ये तो एक मुद्दा हो गया एक तरह से राम मंदिर का मुद्दा जो है वो सेनाओं को छूट देने का आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान के खिलाफ, वो जो ये भाजपा को इस वक्त क्लिक कर रहा है पाकिस्तान विरुद्ध जी, वो इस वक्त उसको क्लिक करना चाहती है। राम मंदिर के लिए मुद्दा ऐसा चुनावी मुद्दा नहीं रह गया कि साहब उससे वोट मिलेंगे, इसलिए जो देश का सम्मान स्वाभिमान सुरक्षा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई खुली जंग ऐसी भाषा काम में ली जा रही है, तो वो कौन सी सरकार कौन सी पार्टी ऐसी होगी सरकार में आने के बाद खुली छूट नहीं देगी सुरक्षा बलों को रोक के रखेगी जी, या रोक के रखा गया इनके द्वारा 3 साल 4 साल तब खुली छूट दी गई है तो 4 साल क्यों रोक के रखा गया, ये सवाल भी पैदा हो सकता है। तो ये तो देशकाल परिस्थिति के हिसाब से फैसले लिए जाते हैं, कोई भी सरकार में होता है उसको अपने फ्रीडम से फैसले लेने पड़ते हैं और तत्कालीन परिस्थिति से निपटना पड़ता है। खालिस्तान का मामला था, इंदिरा गांधी को निपटने में जोर आया बहुत, लेकिन एक दिन उन्होंने निपटा, हालांकि उनको अपनी जान गंवानी पड़ी। तो बांग्लादेश की लड़ाई थी, इंदिरा गांधी ने उसमें जिस तरह हस्तक्षेप किया, पूरी पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट कर दिया। तो हर व्यक्ति जो प्रधानमंत्री होता है, हर पार्टी जो सत्ता में होती है, वो अपने देश की रक्षा के लिए प्रयास करती है, उसे कहने की जरूरत कहीं नहीं पड़ती कि हम देश की रक्षा का पूरा प्रयास करेंगे या हम देश की रक्षा के लिए सेना को पूरी छूट देंगे, ये कोई कही जाने वाली बात नहीं थी, लेकिन कही इसलिए गई है इस वक्त क्योंकि दूसरी पार्टी के सामने उसको पाकिस्तान परस्त होने का आरोप लगाकर ही वो देशद्रोही साबित करने की कोशिश में लगे हुए हैं ताकि देशभक्ति के नाम पर चुनाव जिता सके। जी अनिल जी, इसमें ये कहा गया है कि धारा 370 को हटाएंगे और 35A को हटाने की पूरी कोशिश की जाएगी, तो इस पर क्या कहना है आपका? ये बड़ी घोषणा है जी, और के मामले में क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर आज तक जनसंघ के जमाने से आज तक धारा 370 का विरोध किया है जी, सत्ता में थे पूरी पूर्ण बहुमत का तब क्यों नहीं हटाई, एक तो सवाल लोग ये करेंगे और दूसरा सवाल ये भी हो सकता है कि जब 370 हटानी थी जी तो उन लोगों के साथ मिलकर कश्मीर में सरकार क्यों चलाई, 370 हटाने के विरोधी थे, तो ये सवाल हो सकता है, लेकिन सवाल पूछने वाला तो इस वक्त देशद्रोही है, इसलिए अब ये काश प्रार्थना करें हम देश में सब लोग मिलकर कि सत्ता में आए तो धारा 370 हटा सकें जी, कहना तो इनका 20 साल से चल रहा है 30 साल से चल रहा है परंतु ये हटा सके घोषित कर तो कर रहे हैं जी, कॉमन सिविल कोड और धारा 370 हटाने की बात 20 साल से कही जा रही है और ये ऐसा कर पाए ये एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल होगा जिसका हल भविष्य की गर्मी छुपा हुआ है। जी अनिल जी, लाजमी सी बात है, जब भी कोई पार्टी घोषणा करती है तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है, तो इस घोषणा पत्र से विपक्ष के खेमे में आपको क्या लगता है, किन घोषणाओं को लेकर हलचल देखी जा सकती है? होगी नेचुरली होगी, कांग्रेस का घोषणा पत्र आया था अरुण जेटली ने एक दूसरे को शेख चिल्ली बताना कपोल कल्पना बताना एक दूसरे घोषणा पत्र को, ये सब आरोप प्रत्यारोप लगते रहते जनता के लिए, मायने हर एक को पता है
ये एक तरह का पॉलिटिकल रिचुअल है, पॉलिटिकल दस्तूर है, राजनीतिक दस्तूर है कि एक पार्टी ने जाहिर किया घोषणा पर दूसरा पार्टी उसको सिद्धान्वेषण करेगी। कांग्रेस ने काशी जारी किया था तो भाजपा ने सिद्धान्वेषण किया, भाजपा ने जारी किया तो कांग्रेस सिद्धान्वेषण करेगी। जनता भी सबको देख चुकी है, उठ चुकी है, जनता को लगता है कि ये सब अपनी परंपरा निभाते हैं और वास्तविकता का पता तो उसी कथनी कथनी में अंतर है या नहीं है सत्ता में आने वाली पता लगेगा। जी अनिल जी, क्योंकि अब जो युवा वोटर हैं वो भी कहीं ज्यादा हैं, तो किन वर्गों से इस घोषणा पत्र से फायदा मिल सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा एम्फेसिस एजुकेशन और रोजगार और स्वास्थ्य, ये तीन बातें बहुत अहम है युवाओं के लिए। रोजगार बहुत अहम है और एजुकेशन के लिए इस तरह डॉक्टर बना के डबल कर दिए जाएंगे डॉक्टर 2024 तक, और 200 नए केंद्रीय विद्यालय खोले जाएंगे। ये सारी बातें ऐसी है जिसमें नौजवानों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि नौजवानों को कल के कल उनकी जिंदगी बदल जाएगी उसका मतलब ऐसी उम्मीद करते। जी जी अनिल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी जो फोन लाइन पर जुड़े थे हमारे साथ। एक बार आपको फिर से बता दें, आज आखिरकार बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है जिसमें तमाम घोषणाएं तमाम वादे जनता के समक्ष रखे गए हैं।